हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार, आज हम आपके लिए लेके आए हैं निसान एक्सट्रेल। ये गाड़ी बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत टाइम से इसकी टेस्टिंग चल रही है, इंडिया में टेस्टिंग चल रही है। मीन्स ये गाड़ी बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाली है। कितना जल्दी आएगी इन चीज़ों के ऊपर हमें अभी कंपनी ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है। इसके प्राइस के ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यस, एक हिंट यहाँ पर हमें क्लियर कट कंपनी ने दिया है कि ये जो गाड़ी है इसका बजट आपका प्रीमियम एसयूवी रेंज के अंदर आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस, ये कंपटीशन देने वाली है फॉर्च्यूनर को। फॉर्च्यूनर को अगर ये कम्पीट करती है तो वहाँ पर ये गाड़ी कितनी स्ट्रांग है, कहाँ पर फेल होती है या बहुत ज़्यादा रेलिवेंटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देती है, वो बात करेंगे हम अब। लेट स्टार्ट विद द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार। कार बहुत स्मार्ट है दोस्त, बहुत ही ज़्यादा सुपर स्टाइलिश डिजाइनिंग के साथ है। चाहे आप बात कीजिए इसके ग्रिल स्ट्रक्चर की, लाइट स्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे तो ऊपर के साइड में आपको DRL दिया गया है, नीचे के साइड में आपके LED हेडलैम्प्स हैं जो बहुत स्टाइलिश लुक के साथ दिए गए हैं। यहाँ पे आपको क्रोम का बहुत स्मार्ट यूज़ दिखाई देगा, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा सुपर स्टाइलिश लग रही है। और देखिए, बीच बीच में आपको ना म्यूज़िक भी सुनाई देगा, क्योंकि एक इवेंट स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर निसान का, तो उसके भी आपको एंजॉय करवाएंगे व्लॉग चैनल के ऊपर। आइए, नीचे हमारे पास सुपर स्टाइलिश स्पॉइलर दिया गया है जो कार को नेक्स्ट लेवल अपील दे रहा है। गाड़ी के अगर लुक्स की बात करें ना, तो जो हमारी आजकल की कार्स है उससे थोड़ी सी कार डिफरेंट लुक आपको प्रोवाइड करेगी। कार सीरियसली बहुत माइंड ब्लोइंग लग रही है। फ्रंट प्रोफाइल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए मूव करते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले जो चीज़ आपके नोटिस में आएगी, दैट इज़ 18 इंचेस सुपर स्टाइलिश अलॉय व्हील्स। ये आपको ड्यूअल टोन में मिलते हैं, सिल्वर अलॉन्ग विद दिस ब्लैक, जो बहुत अच्छा लग रहा है। सेंटर में यहाँ पर निसान मेंशन किया गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि फ्रंट में एंड रियर में दोनों में हमारे डिस्क ब्रेक का यूज़ किया गया है। यहाँ पर मेंशन किया गया है ई पावर्ड व्हीकल है ये। ई पावर्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसको बेसिकली बोला जाता है। देखिए, हाइब्रिड में क्या होता है, फुल ऑन हाइब्रिड में वहाँ पर हमारा, सपोज सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ आपको, अगर हमारा हाइब्रिड सिस्टम है तो वहाँ पर जो हमारे टायर मूव करते हैं उसमें मोटर अलॉन्ग विद योर गैसोलीन इंजन साइमल्टेनियसली वर्क करता है, वो होता है हमारा हाइब्रिड। लेकिन अगर आप बात करेंगे ई पावर्ड सिस्टम की, वहाँ पर हमारा जो वहाँ पर टायर मूवमेंट है दैट इज़ ओनली थ्रू मोटर। वहाँ पर कहीं पर भी पेट्रोल इंजन का यूज़ नहीं होगा, वो सिर्फ यूज़ किया गया है कार में बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत न्यू टेक्नोलॉजी है, और इसकी वजह से कार में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, बहुत अच्छी माइलेज मिलती है, एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आप गाड़ी में फील करेंगे। रूफ लाइन की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका स्लोपी नहीं है, ये आपका काफ़ी आपको फ्लैट ही फील होगा, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो सिल्वर स्टेटमेंट ऐड किया गया है, ये भी अलॉन्ग द लेंथ आपको काफ़ी अट्रैक्शन देगा। बॉडी कलर डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपका 55 लीटर का फ्यूल टैंक है। आइए चलते हैं कार के बैक प्रोफाइल पे। जितना स्मार्ट कार का फ्रंट एंड साइड प्रोफाइल आपको लगा है, उतना ही क्लासी आपको कार का बैक प्रोफाइल लगेगा। सबसे ऊपर हमें शार्क फिन एंटीना दिया गया है, दिस इज़ योर बैक लाइट। ये आपका बहुत स्मार्ट स्पॉइलर दिया गया है, दिस इज़ योर डीफॉगर। वाइपर आपको यहाँ पर दिया गया है, निसान यहाँ पे मेंशन किया गया है, एक्सट्रेल इस कार का नाम है। ई पावर अगेन यहाँ पे मेंशन किया गया है, और जो मेन अट्रैक्शन आपको बैक साइड से देता है वो है कर्टन कर्व्स, जो बैक प्रोफाइल को फुल ऑन डिफाइन करते हैं, जिसकी वजह से कार आपको नेक्स्ट लेवल लुक देगी। बम्पर पे आपको पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। नीचे के साइड में आपको ग्रेश ये आपकी स्किड प्लेट दी गई है, जो काफ़ी अच्छा लुक दे रही है, स्पॉइलर भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर आपके रिफ्लेक्टर प्लेस किए गए हैं, और ये आपका जस्ट एक्सट्रेल के नीचे है आपका पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा। आपका टेल गेट यहाँ पर इलेक्ट्रिक नहीं दिया गया है, लेकिन जो आपके पास स्पेस है यहाँ पे, दैट इज़ मोर देन इनफ। आपके पास बहुत सारी जगह है, आपका काफ़ी सारे लगेज इसके अंदर आप कैरी कर सकते हैं। नीचे की साइड में भी आपके पास छोटी मोटी जगह है, और इसके नीचे हमारा बैटरी पैक प्लेस किया गया है। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा पार्टीशन मिल जाता है, आप यहाँ पे भी अपना कुछ सामान रख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया गया है, और इसको क्लोज भी आप मैनुअली ही करेंगे लाइक दिस। ये कार आपको 360 डिग्री कैमरा कवरेज के साथ मिलेगी। चलिए अब चलते हैं इसके सुपर स्टाइलिश एक्सटीरियर को डिस्कस करने के बाद इस कार के इंटीरियर में। कम रियर प्रोफाइल में एंटर करने से पहले, सबसे पहले हम इसके डोर को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत स्मार्ट फैब्रिक का यूज़ किया गया है, लेदर का यूज़ किया गया है, कुछ स्मार्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं, और ये आपका प्लास्टिक है जो आपको लेदर का इल्यूजन देगा। यहाँ पर आपको सन शेड्स दिए गए हैं, और ये आपके पास पावर विंडो कंट्रोल है। जो आपके डोर हैंडल है वो आपको सिल्वर में मिलेंगे, और नीचे के साइड में हमारे पास बॉटल होल्डर है। चलिए अब चलते हैं इसके इंटीरियर में।
देखिए ये कार की सीट इस टाइम पर काफ़ी पीछे हुई हुई है, स्टिल आई एम 5'5", मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आई हैव इनफ ऑफ नी रूम, इनफ ऑफ हेड रूम। फैब्रिक का यहाँ पर यूज़ किया गया है, लेदर का यूज़ आपको नहीं दिखाई देगा। ज़्यादातर चीज़ें फैब्रिक में या फिर प्लास्टिक आपको फील देगा यहाँ पर। इस कार के अंदर रूफ में आपको यहाँ पे सनरूफ नहीं मिला है, लेकिन इसके अंदर आपको वेरिएंट्स में ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप सनरूफ वाला भी ऑप्ट कर सकते हैं। और देखिए जो मेन कंफ्यूजन सबके दिमाग में चल रहा है ना, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो मैं आपको बता रही हूँ, ई पावर टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से ही ये गाड़ी मेन अट्रैक्शन देगी मार्केट को और बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बनेगा, क्योंकि किसी और कंपनी ने अभी तक इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है और निसान इसे सीधा लेके आ रहा है ऑन रोड। फ्रंट प्रोफाइल की बात करेंगे तो इसका डोर भी ऑब्वियसली यार पीछे वाले डोर्स के जैसा ही है। यहाँ पर आपका जैसे आपका पीछे की साइड में प्लास्टिक था, यहाँ पर लेदर का ही यूज़ किया गया है। ये आपका फैब्रिक है, ये आपका डोर हैंडल है, पावर विंडो कंट्रोल आपको मिलते हैं और सारी विंडोज़ आपकी सिंगल टच अप एंड डाउन के साथ आती है। ये है आपके ORVM कंट्रोल्स लॉक एंड अनलॉक के लिए, चाइल्ड लॉक के लिए। कार में सीट एडजस्टमेंट्स जो आपको दिखाई दे रही है ऑल आर मैनुअल एक्सेप्ट योर लंबर्ड सपोर्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार के स्टीयरिंग से। ये आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों सेटिंग्स के साथ आता है, जो अच्छी बात है। ये कार आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में मिलेगी, ये बताया मैंने आपको, याद रखना सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल होगी आपको ये। यहाँ पर आपको हेडलैम्प कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल मिल जाते हैं, ये दोनों आपके ऑटोमेटिक है। स्टीयरिंग आपका 3-स्पोक स्टीयरिंग है। ये जो आपकी साइड है यहाँ पर आपके पास क्रूज कंट्रोल दिया गया है और जो आपका ये शो हो रहा है दिस इज़ फॉर अडास। इस साइड में आपके पास वॉल्यूम अप डाउन कंट्रोल है, ट्रैक चेंज कर सकते हैं और अपने MID को भी आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, इट इज़ फुल ऑन डिजिटल और यहाँ पर आपको RPM, आपके स्पीड, एवरीथिंग इज शोन सो क्लियरली, ट्रिप एवरेज एवरीथिंग। ये है हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसका काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। लैंडस्केप डिज़ाइनिंग में आपको मिल जाता है, ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ किया गया। फिनिशिंग कार के अंदर बहुत क्लासी यूज़ की गई है, आपको बहुत ज़्यादा ना प्रीमियम सा फील कराती है गाड़ी अपने हर टच एंड फील के साथ। यहाँ पर आपको AC वेंट्स दिए गए हैं, ये आपके पास AC कंट्रोल्स हैं। नीचे के साइड में हमारे पास Type-C एंड USB पोर्ट है, ये आपके स्टार्ट स्टॉप बटन है। यहाँ पर आपके पास 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है। AC आपको यहाँ पर ड्यूअल जोन मिल जाएगा, ये आपके पास वायरलेस चार्जर के लिए दिया गया है। ये हमारा बहुत स्टाइलिश गियर लीवर है जो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपका 7-स्पीड होना चाहिए, अभी कंपनी ने इसको रिवील नहीं किया तो इसके ऊपर हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। EV मोड में मैंने आपको बताया गाड़ी आपकी इलेक्ट्रिक मोड में ही चलेगी, उसके लिए यहाँ पर आपको कंट्रोल दिया गया है। ये आपके डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग आपको ये दिया गया है एंड दिस इज़ फॉर योर ऑटो होल्ड। सेंटर में आपका ग्लव बॉक्स है जिसके अंदर आपके पास छोटा मोटा स्टोरेज है, इसके अंदर कोई Type-C या USB पोर्ट नहीं है। फ्रंट में भी जो हमारा ग्लव बॉक्स है वो भी डिसेंट साइज़ का, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक्सपेक्ट कर रही थी मैं काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि बाहर से ओपनिंग बहुत बड़ी दिखा रहा है, लेकिन अंदर सिर्फ इतना ही स्टोरेज आपके पास है। इन टोटल अगर आप डैशबोर्ड प्रोफाइल की बात करेंगे तो देखिए कार का मैंने आपको बताया टच एंड फील बहुत आपको लग्जूरियस लगेगा, काफ़ी अच्छी गाड़ी लग रही है। अडास आपको इस कार के अंदर मिल जाता है, आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मिल जाते हैं, ऊपर की साइड में आपके पास सनरूफ का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है एंड यू नो लुक वाइज गाड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी, आपको काफ़ी प्रॉमिसिंग लगेगी, काफ़ी सारे लोगों को ये पसंद आने वाली है। और मेन रीज़न आपको मैंने बताया इस गाड़ी को परचेज़ करने का है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट इज़ E-पावर्ड हाइब्रिड। सेफ्टी की अगर बात करें दोस्त तो यहाँ पर अभी बहुत सारे पैरामीटर्स डिस्क्लोज़ नहीं किए गए हैं कंपनी साइड से, बट हम मान के चलते हैं जिस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी आ रही है तो वहाँ पर 6 एयर बैग्स तो आपको मिलने ही वाले हैं। फ्रंट एंड रियर में आपके पास डिस्क ब्रेक है, यू हैव ABS, यू हैव ESP, ABD, ये सारी चीज़ें इस कार के अंदर लोडेड है। और ये जो हम टक्कर की बात कर रहे हैं ना इन दोनों गाड़ियों के, फॉर्चूनर के और X-Trail के, ये बात अभी हम सिर्फ प्राइस के ऊपर कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ कंपैटिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, वो कंपैरिजन हम तब कर पाएंगे जब ये कार ऑन रोड मार्केट में आ जाएगी, गाड़ी को हम लोग ड्राइव करके देख पाएंगे, उसके बाद ही हम लोग कोई फाइनल स्टेटमेंट देंगे। लेकिन यस, एज ऑफ प्राइस कंपैरिजन ये कार आपकी काफ़ी ज़्यादा फॉर्चूनर के बराबर ही आने वाली है। तो दोस्त ये थी हमारी निसान X-Trail जो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, ई पावर टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, जो बहुत प्रॉमिसिंग होने वाली है, बहुत एफिशिएंट रहेगी आपकी पॉकेट को, या फिर ये परफॉर्मेंस हमें कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करने वाली है वो हम आपसे शेयर करेंगे जब कंपनी इस कार को फुल ऑन रोड के ऊपर लेके आएगी। तो चलिए तब तक के लिए वेट कीजिए और मिलेंगे आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।